ईद के दिन भी भोंगा बजेगा, ऐलान होगा, चीता कैंप में तो ज़रूर होगा। चाहे इसके लिए सज़ा काटनी पड़ेगी, हम भी तैयार है, हम हर एक का साथ देंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। राज साहब के इस स्टेटमेंट को, जो भोंगा बंद करने को कहा है अजान के लिए, मैं मानता हूँ ये गलत है। भोंगा बजाइए, इनको इनका अजान बजाने दीजिए, इनको भी खुश होने दीजिए, आप भी खुश हुए, एकता का मिसाल कायम कीजिए, लड़िए मत। बड़े नेता सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। रात को कुछ लोगों ने तो रात को ही मन से छोड़ दिया था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, मेरे ख्याल से सब एक गांठ से बंधे हुए हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं टूटने वाले लोग हैं हम। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज़। अपना अपनी मर्जी से लाउड स्पीकर नहीं हटाते तो दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा वो बजाएंगे। तो इससे सर 3 तारीख को जो है ईद का दिन है, मुसलमान समाज के लिए जो है ये बहुत बड़ा दिन होता है। तो उस दिन का जो है अल्टीमेटम दिया राज ठाकरे ने, जिससे अगर कोई हिंसा होती है उस दिन तो समाज को जो है बहुत नुकसान होगा और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो है घाटी वो हो सकता है कि टूट जाए। ऐसा है, अपने धर्म को, अपने मज़हब को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई चेंज नहीं करता। किसी एक व्यक्ति के आगे आने से दुनिया नहीं बदलती, दुनिया वैसे ही चलती है जैसे चलती आई है। आबादी और आवाम इतनी बड़ी ताकत है, किसी एक इंसान से उनका रुख नहीं बदल सकता। ईद के दिन भी भोंगा बजेगा, ऐलान होगा, चीता कैंप में तो ज़रूर होगा। चाहे इसके लिए सज़ा काटनी पड़ेगी, हम भी तैयार है, हम हर एक का साथ देंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है तो सब हम भाई बहन, हम उसको अलग क्यों करेंगे सिर्फ एक इंसान के लिए, ये नामुमकिन है। ये देश को आज़ादी मिली है और स्वतंत्रता हमारा धर्म है। तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि अजान बंद करिए या हनुमान जयंती के लिए आप भोंगा बंद कीजिए। आप अपना भोंगा बजाइए, इनको इनका अजान बजाने दीजिए, इनको भी खुश होने दीजिए, आप भी खुश हुए, एकता का मिसाल कायम कीजिए, लड़िए मत। बड़े नेता सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। करने वाले बेचारे छोटे कार्यकर्ता होता है, उनको पता भी नहीं वो क्या करते हैं। जब जेल में जाते पैसे उनके खर्चे होते हैं, वकील उनको करने पड़ते हैं, सज़ा वो भुगतते हैं, ये नेता नहीं भुगतते, माफ़ करना मुझे। तो मैं सिर्फ आप सब कार्यकर्ता से बोलूँगा कि आप वही कीजिए जो आपका दिल बोलता है, किसी की आवाज़ मत सुनिए। और आपका दिल हमेशा ये बोलेगा कि भाईचारा ही इस देश का मकसद है। सर मनसे पार्टी में जो है सदियों से कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी जो है जुड़े थे और मनसे को सपोर्ट कर रहे थे, इस राज ठाकरे के इस बयान के बाद में जो है उन सारे लोगों ने जो है इस्तीफा दे दिया, वो लोगों से आप क्या कहना चाहोगे सर? ऐसा है राहिल, कई लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं। उसी दिन शाम को, रात को, कुछ लोगों ने तो रात को ही मन से छोड़ दिया था, छोड़ा है या किसी पार्टी से निकला है, हम उनका स्वागत करते हैं। उद्धव साहब एक वो इंसान है जो पढ़े लिखे संस्कारी है और पक्ष ने हमेशा सपोर्ट किया है उनको। मैं ये बोलूँगा कि पक्ष ने हमेशा सपोर्ट किया है। मैं चाहूँगा आप लोग आइए हमारी सेना में और सेना में जुड़ के देखिए, आपको मोहब्बत और वो मोहब्बत और वो प्यार फिर से मिलेगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। आपका हमारे सेना में स्वागत है और मैं आपके साथ में हमेशा रहूँगा। सर देखा गया कि हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की मिसाल सदियों से हमारे भारत में जो है देखने को मिली है, मगर कुछ राजनीतिक पार्टियां भड़काऊ भाषण कर इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस ऐसे राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों को आप क्या कहना चाहोगे सर? ऐसा है राहुल भाई कि हम इतने मजबूत हैं, हम हिंदुस्तान के जो वासी हैं, हमारी जो जनसंख्या है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, मेरे ख्याल से सब एक गांठ से बंधे हुए हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं टूटने वाले लोग हैं हम। लेकिन देखा है कि कुछ पल में कुछ दौर ऐसे चल रहे हैं, मैं बोलना चाहूँगा खुल के कि बीजेपी के जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के इस नाजुक दौर को, हमारा मन से हमारे राज साहब ठाकरे भी इसमें आगाह ले रहे हैं। बड़ा दुख होता है देखते हुए, एक तरफ उद्धव साहब है हमारे स्टेट के CM है और शिवसेना के पक्ष प्रमुख है, उन्होंने शुरू में ऐलान किया था कि ये रमज़ान हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन को बहुत अच्छी तरह मनाने का मौका मिले और उनकी खुशियां
इस दौर बढ़ती जाए। लेकिन राज साहब के इस स्टेटमेंट को जो भोंगा बंद करने को कहा है अजान के लिए, मैं मानता हूँ ये गलत है। ये चीज़ सदियों से चलती आ रही है, मैं बोलूँगा बरसों से क्यों नहीं बंद किया, आज क्यों इस मांग को लेकर आ रहे हैं सिर्फ बीजेपी के बोलने पे? माफ़ करना, गलत है, मैं इसका साथ नहीं दूंगा, मेरे लोग इसका साथ नहीं देंगे। हमारे चीता कैंप में भोंगा बजेगा और अजान की ऐलान हो गया हमेशा, क्यों? ये उनका दायित्व है, उनका खुद का एक उनकी खुद की एक पहचान है मस्जिद की। तो ये जो बरसों से चली आ रही है जो परंपराएं, उनको हम एक पल में चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो हमारी हनुमान जी की रथ हो, यात्रा हो, चाहे इनका रमज़ान का महीना हो, दोनों बराबर है। हम सिर्फ त्यौहार के रुख तोड़ रहे हैं, लेकिन त्यौहार दोनों का ही है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, हिंदुस्तान में जब भाईचारा इतना मशहूर है तो इस चीज़ के लिए हम क्यों सोचें, क्यों झगड़ें? जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसको अमन से चलने दीजिए, और ये दिखाइए कि जहाँ मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है हम जाके उनका साथ दें, और जहाँ हमारा त्यौहार है वो आगे बढ़ के हमारा साथ देने को तैयार है। तो इसको हम मिसाल बना के आगे बढ़ाना चाहिए, और देश में ये हमारे चीता कैंप से दिखना चाहिए कि चीता कैंप कितना बदला है। मुझे गर्व होता है इस पर। राज ठाकरे और मनसे पार्टी के कार्यकर्ताओं से आप क्या कहेंगे सर? मैं मनसे के कार्यकर्ताओं से सिर्फ इतना बोलूँगा, आपने इतने साल वहाँ पर काम किया है, अगर आपकी तरक्की हुई, आपकी बरकत हुई है तो रहिए। अगर आपको आपके दिल को लगता है कि कहीं गलत हुआ है तो हमारे इसमें शामिल होइए, हम आपके साथ में हमेशा रहेंगे, और आप वही करी जो आपके दिल को सही लगता है। किसी के बोलने पे मत कीजिए, आपके पास भी दिमाग है, आपके पास भी दिल है, अपने दिल की बात सुनिए और अपने आगे को बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।